आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 स्टार्ट हो चुका है। इस मेगा टूर्नामेंट के फर्स्ट मैच में होस्ट अमेरिका ने जबरदस्त धमाका करते हुए अपने विरोधी कनाडा को बुरी तरीके से मात दी है। वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में अमेरिका ने 7 विकेट की धमाकेदार जीत के साथ बाकी टीमों को वार्निंग दे दी है कि वो इस बार जॉइंट किलर का काम भी कर सकते हैं। इस मैच में कनाडा ने पहले बैटिंग करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन की मदद से 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 194 रन का स्कोर खड़ा किया। इस बड़े स्कोर के जवाब में अमेरिका ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए सिर्फ 17.4 ओवर में ही 3 विकेट पर टारगेट को अचीव कर लिया। अमेरिकी कैप्टन मोनांग पटेल ने टॉस का बॉस बनने के बाद कनाडा को पहले से ही बैटिंग करने का कह दिया, जिसके बाद कनाडा ने अपने पूरे एक्सपीरियंस को झोंकते हुए बढ़िया बैटिंग की। कनाडाई टीम के लिए ओपनर बैट्समैन नवनीत धालीवाल ने 44 बॉल में 61 रन के साथ ही निकोलस कर्नट ने 21 बॉल में 51 रन के अलावा श्रेयस मोवा ने 16 बॉल में नॉट आउट 32 रन की इनिंग की मदद से 5 विकेट खोकर 194 रन का बड़ा स्कोर बना डाला। इसके बाद अमेरिकी टीम 195 रन के टारगेट को अचीव करने उतरी। उनके लिए सिर्फ 42 रन पर ही 2 विकेट गिर गए, लेकिन इसके बाद एंडरिस गॉस और आरोन जोन्स की धमाकेदार बैटिंग से कनाडा के जीतने के सपने को तोड़ दिया और तीसरे विकेट के लिए 131 रन की पार्टनरशिप करते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। एंडरिस गॉस 46 बॉल में 65 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन आरोन जोन्स ने सिर्फ 40 बॉल में 94 रन के नॉट आउट पारी खेलकर टीम को 14 बॉल बाकी रहते ही सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर ही जीत तक पहुंचा दिया। अमेरिका के लिए ये वर्ल्ड कप डेब्यू मैच था जहां जोरदार जीत हासिल की गई है। अमेरिकी टीम की इस एक्साइटिंग स्टार्ट को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।